हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रियो के बारे में पढ़ेंगे। क्रियो सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक सॉलिड वर्क और दूसरे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे कैटिया वगैरह, कैटिया है, एनएक्स। इसमें भी वो इनिशियली सिक्स पार्ट्स होते हैं आपके। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपका स्केचिंग, पार्ट मॉडलिंग, एडवांस असेंबली मॉडलिंग, फिर उसका शीट मेटल होता है, शीट मेटल एंड ड्राफ्टिंग। देर आर सिक्स सिक्स पैरामीटर्स आ गया। नंबर वन इज स्केचिंग, नंबर टू इज पार्ट मॉडलिंग, नंबर थ्री सरफेस मॉडलिंग, नंबर फोर इज असेंबली मॉडलिंग, एंड इस नेक्स्ट है शीट मेटल, एंड लास्ट वन इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग तो क्या जनरली देखने के काम में आता है कि ये जो आपके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू किस तरह आपके काम करते हैं। तो न्यू में जाएंगे हम, न्यू में जो भी आपका पार्ट पे हम स्केच करेंगे, या आपको स्केचिंग करनी है तो स्केचिंग में कर, लेकिन पार्ट में ही आपकी स्केचिंग हो जाती है, इसमें सॉलिड में आप क्लिक करिए। ठीक है, अब ये इसमें तीन तरह के प्लेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। स्केच में जाइए आप, उसके बाद आपको प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो हम यहाँ से क्लिक करके देख लें, या व्यूज में हम देखें, जैसे ये राइट प्लेन ये शो करेगा, फ्रंट व्यू ये शो करेगा, टॉप प्लेन अपन यहाँ से ऊपर से अपन टॉप से हुए। स्टार्टिंग हम फ्रंट व्यू से करते हैं, स्केच में जाएंगे और यहाँ से नॉर्मल क्रिएट कर देगा ये जो आपका आइकॉन है, क्लिप मॉडल, स्केच व्यू, ये स्केच व्यू हो गया। इसमें नंबर ऑफ टूल्स वही हैं जो अपने बाकी सॉफ्टवेयर में है। जैसे पहले हम लाइन में हम देखते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, अब इसको क्लिक कर देंगे तो ऑलरेडी ये शो कर देगा। ये देखिए, ये अपने ऑलरेडी डिफॉल्ट डायमेंशन ये शो करेगा और यहाँ से दे देगा सब। इसी में सेकेंड आपका ऑप्शन है लाइन टेंजेंट। सपोज एक लाइन मेरी यहाँ से मैंने ड्रॉ करी है, दूसरी लाइन ये मैंने यहाँ से ऐसे टेंजेंट करी है, ठीक है, अब ये लाइन हो गई और ये लाइन हमने क्लिक कर दी। ये आपकी टेंजेंट लाइन हो गई, यहां पे क्लिक करिए लाइन टेंजेंट। लाइन टेंजेंट टच करते हुए, अब ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों लाइन आपकी टेंजेंट। जनरली सर्कल में आप इसको और इजी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सेकेंड वन इज रेक्टेंगल है, कॉर्नर रेक्टेंगल है, कॉर्नर से आप बनाएंगे तो आपका ऐसे बनेगा, पर जनरली ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये सेंट्रली में आपको ड्रॉ करना चाहिए। जब भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ करें, एक रफ फिगर आपकी इस तरह जनरेट होनी चाहिए, तो आपको एडिटिंग जब आप करते हैं तो डायमेंशन एडिटिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको फुल ग्रे शो कर देगा, कलर में शो कर देगा, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट है। स्लांटेड रेक्टेंगल, पीछे में अगर रेक्टेंगल बनाना है तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अभी इसमें एंगल शो कर देगा कितने का एंगल है। अब ये डायमेंशन लेने के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इधर से क्लिक करेंगे तो आपका ये डायमेंशन शो कर देगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, इसके बीच में डायमेंशन आपका शो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज सेंटर रेक्टेंगल, ये सेंटर रेक्टेंगल हो गया आपका, हर तरफ से इक्वल इक्वल शो करेगा ये। लास्ट वन है आपका पैरेललोग्राम, अपन ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, दीस टू फोर्सेस आर पैरेलल, दीस टू साइड्स आर आल्सो पैरेलल, दीस टू साइड्स आर पैरेलल, तो इनके बीच में ये हम पी मान लेते हैं, इसको ही पी मान लेते हैं, ये क्यू हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। और इसमें ये अपना जो पॉइंट है बीच में जो लाइन कोइंसाइड कर रही है बिटवीन दीस टू वर्टेक्स इज नोन एज डायगोनल, और सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द डायगोनल। सर्कल में आप सेंटर एंड पॉइंट, ये मैंने सेंटर ले लिया, पॉइंट ले लिया कोई भी, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अपने आप डिफॉल्ट डायमेंशन ये शो कर रहा है, इसको आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ये 45 हो गया, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रिक, इसमें हम स्केच देखेंगे, फ्रंट स्केच व्यू, ये हो जाएगा स्केच व्यू, ये हम फ्रंट ले लिया, हमने स्केच कर दिया। अब आता है हमारा कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ये सर्कल ड्रॉ किया हमने, पहले एक सर्कल ड्रॉ होना चाहिए आपके पास में, ये सर्कल ड्रॉ किया हमने, को कॉन्सेंट्रिक करना है तो इसके बदले में यहाँ से लूंगा मैं, ये जान होने
कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। थर्ड वन इज थ्री पॉइंट, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये आपका सर्कल बनकर तैयार है। इसको शो करता है, आपका पूरा ऑब्जेक्ट होगा तो पूरे को शेडेड पोर्शन में वो शो कर देगा। अब ये थ्री पॉइंट हो गया अपना, थ्री टेंजेंट। अब मेरे को तीन सर्कल बनाने पड़ेंगे इसके लिए, स्केच में जाना पड़ेगा हमको। लेन हम ये फ्रंट लेते हैं, स्केचर, ये के सर्कल आया, ये सर्कल आया, ये सर्कल आया, मेरे पास तीन है, ठीक है ना। अब मेरे को नॉर्मल व्यू में अपन जाएंगे, स्केचर व्यू में, अब मेरे को सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से सर्कल में जाऊंगा, थ्री टेंजेंट, पहला टेंजेंट ये हो जाएगा, सेकंड टेंजेंट ये हो गया, थर्ड टेंजेंट ये आपका हो गया। अब इसमें इस तरह से आपका बन, ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा, थ्री टेंजेंट, सेकेंड और ये मेरा थर्ड टेंजेंट। ऐसा थोड़ा सा रिफाइन करते हैं इसको, प्रोसेस को। थ्री टेंजेंट ये दिया, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड, ये आपका थ्री टेंजेंट मेथड से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब तक हमने बेसिक ड्राइंग देखी, अब आते हैं अपन आर की तरफ। अब एक लाइन और एक सर्कल और लाइन के बीच में अगर टेंजेंट है तो वो अपन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन दी, लाइन टेंजेंट, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये दिया, ये देखिए। अब मैंने इसको क्लिक किया, ये लाइन और ये लाइन को मैंने क्लिक कर दिया और लाइन टेंजेंट मैंने कर दिया, यहाँ से ये लाइन टेंजेंट। सपोज मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी है, दूसरी लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है लाइन टेंजेंट, दूसरी लाइन मैंने इधर से दी है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, तो दिस वन पोर्शन एंड दिस वन पोर्शन यहाँ पे शो करेंगे अपन लाइन टेंजेंट, ये टेंजेंट का सिंबल आपका है, तो इससे छूटी हुई जा रही है। अगर मैं यहाँ से एक दूसरी लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे टेंजेंट शो कर रहा है, ये देखिए टेंजेंट हो गया। दूसरी लाइन यहाँ से मैंने ड्रॉ करी है और इस पॉइंट तक करी है, यहाँ से मैंने चालू किया और ये देखिए टेंजेंट शो करी, ये आपकी लाइन टेंजेंट होगी, यहाँ से ये लाइन टेंजेंट होगी, ठीक है। थ्री पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये थ्री पॉइंट आर्क हो गया। सेकंड सेंटर एंड एंड, ये मैंने सेंटर दे दिया और एक एंड ये दे दिया, एक एंड मैंने ये दे दिया। इसके रिवर्स में भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ये यहाँ से ऐसा भी हो सकता है। देखिए हम आर्क में सेंटर एंड, ये मैंने सेंटर दे दिया, एक एंड ये दिया, एक एंड ये दिया, ठीक। थर्ड पॉइंट जो आपका है दैट इज अ थ्री टेंजेंट, थ्री टेंजेंट की हेल्प से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया एक, सेकेंड ये हो गया, थर्ड वन इज, अभी आर्क में जाएंगे, थ्री टेंजेंट, ये हो गया, ये हो गया एंड थर्ड वन इज। तो इस तरह से आपका टेंजेंट बन जाएगा, जस्ट लाइक ऑटोकैड में जैसे हम करते थे। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें कॉन्सेंट्रिक। एक आर्क आपने बनाया, थ्री पॉइंट बनाया आपने, ये आपने बनाया सपोज ये कार, ठीक है। अब मेरे को कॉन्सेंट्रिक और बनाना है, ये देखिए इस पर क्लिक किया अपन ने, ये अपना दूसरा बन गया, दैट इज कॉन्सेंट्रिक आर्क। कोनिक, कोनिक आर्क, इसका रेडियस कोन के शेप का रहता है जनरली, इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा या फिर इस तरह से आपका बनेगा। तो ये जस्ट लाइक ए कोन हमने देखा होगा, ये हाइट हो जाएगी यहाँ से, ये एंगल आपका दिख जाएगा 122.2, तो इसको जनरली हम कितना रखते हैं, 120 देखते हैं कोन के शेप में, और ये आपकी जो हाइट रहेगी वो आपकी हो जाएगी। अब इसको सेंट्रल एक्सिस के थ्रू अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो देखिए, देखो सिमेट्रिकल मेरे को अगर ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको ओके कर दूंगा, एंट्री सेक्शन कर दूंगा, स्केच व्यू में जाऊँगा, से इट इज़ ए फ्रंट प्लेन,
अब मैं आर्क में जाऊंगा, कोनिक आर्क, ये देखिए, इसमें क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका टोटल डायमीटर वो शो कर देगा 71.3। तो दोनों को इक्वल करना पड़े, आर एच ओ इसका जो रेशियो है रेडियस टू हाइट, तो ये आपका ये 0.5 रहेगा, आपका ये 0.73 ये दिया इन्होंने, यहाँ से ये एंगल दिया, तो टोटली कोनिक आर्क के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन इन्होंने इलिप्स, इलिप्स में क्या होता है कि जस्ट लाइक ए सर्कल है लेकिन दोनों तरफ की मेजर एंड माइनर एक्सिस में डिफर शो करता है। सर्कल में तो क्या रहता है, मेजर एंड माइनर एक्सिस सेम रहती है। अब ये देखिए एक्सिस एंड, ये मेरा एक्सिस का एंड दिया मैंने ये, और ये सेंटर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सिमेट्रिकल नहीं लिया है तो ये देखिए ये आपकी हाइट शो कर रहा है, ये मेजर एक्सिस ये हो गई, माइनर ये हो गई, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। देख लीजिए आप 269 जिसकी वैल्यू ज़्यादा दैट इज मेजर, और ये हो जाएगा 199.5। अगर हमको राउंड फिगर में रखना है तो हम इसको राउंड फिगर में रख लें 250, और इसको हम कर देते हैं लेट अस से 125। ये देखिए ये आपका परफेक्ट इलिप्स बन के तैयार हो गया। इलिप्स में सेकेंड रहेगा आपका सेंटर एंड एक्सिस, ये दिया मैंने फ्रंट, फ्रंट में स्केच व्यू मैंने दिया, स्केच व्यू में एलिप्स में सेंटर, ये मैंने सेंटर दिया, एक्सिस एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट ये दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखिए इसके बीच में 243 ये रहा, 140 ये रहा, तो इस तरह से आपका एलिप्स क्रिएट हो जाता है। अब स्प्लाइन क्या है, मोस्ट पिक्यूलियर आर्क जो है हमारे में, जिसमें नंबर ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्वेचर आप स्प्लाइन कमांड से ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको क्लोज करना तो क्लोज कर लीजिए आप, ये देखिए क्लोज हो गया। तो ये इसमें आमतौर पर आर्क के द्वारा हम इतने ड्रॉ नहीं कर पाए, आर्क के द्वारा हम दो पॉइंट ड्रॉ कर पाएंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे हमारे पास 3-4 अटेम्प्ट आपको लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन स्प्लाइन के द्वारा हम कोई भी आर्क को हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो माउस वगैरह है, माउस वगैरह ड्रॉ इसके द्वारा होते हैं आपके, क्योंकि माउस में बहुत ज्यादा आर्क वगैरह का यूज होता है जो इसके द्वारा बिल्कुल फुलफिल अपना ये हो जाता है। ये स्प्लाइन हो गया है, तो ये हमारे कुछ हमने बेसिक ड्रॉइंग्स वगैरह करने की कोशिश की। आइए अब हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं इसकी। सिंपल हम लाइन या रेक्टेंगल कमांड से हम चालू करते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल ये मैंने दे दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरे पास में, इसका डायमेंशन देखिए 64 और ये 120। लेकिन सिमेट्रिकल हमको करना है, हम इसको राउंड फिगर में 270 दे दें, ठीक है। यहाँ से हम कितना दे दें, 60 दे दें। डायमेंशन में इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, डायमेंशन टूल में ये देखिए इस पॉइंट के बीच में और यहाँ के बीच में कितना दे दिया, स्केच व्यू में फ्रंट मैंने दिया, रेक्टेंगल मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये देखिए ये हो गया। वी डायमेंशन शो कर देगा ये 297 है और 130। हम इसको सिमेट्रिकल करने के लिए राउंड फिगर में कर देते हैं और इसको कर देते हैं 150, ठीक है 150 ये रही। टोटल लेंथ इसकी 73 है तो राउंड अबाउट 80 हम कर देते हैं। तो यहाँ से ये भी सिमेट्रिकल होना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से ये आपका कंप्लीट बॉक्स आपका बन गया, ठीक है ना। अब मेरे को अगर टी सेक्शन बनाना है, टी सेक्शन हम किस तरह बनाएंगे, आप स्केच में जाइए, फ्रंट व्यू आपने सिलेक्ट कर लिया है, फ्रंट व्यू में स्केचर व्यू है आपके पास में, ये बनाएंगे रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल बना देते हैं हम, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल मैंने और लिया, ये मैंने इस तरह से आपका एक ब्लॉक टाइप का बन गया आपका, ठीक है। बीच की लाइन को हमको ट्रिम करना पड़ेगा, तो ट्रिम के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, ये ट्रिम हो गया, ट्रिम में यहां से हम इसको क्लिक कर देंगे, ये वाला हो गया। चलिए इसको अपन डिलीट कर देते हैं। चलिए फ्रंट व्यू में अपन जाते हैं, स्केचर व्यू में, फ्रंट प्लेन में अपन ये चालू किया, राइट। अब ये रेक्टेंगल से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से ये ऐसा बना दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब यहाँ से अगर मेरे को ट्रिम करना है तो ट्रिम इसका ये वाली लेंथ अपने को हटानी है, ट्रिमिंग का अपन देखते हैं किस तरह होगा ये।
सिर्फ और अपन ब्लॉग देखते हैं, इसको हम जाके एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये वाले ब्लॉग को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ये हो गया। लेकिन ये सॉलिड में नहीं है, अब ये देखिए सॉलिड में हो जाएगा ये, लेकिन वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट में नहीं कन्वर्ट करेगा। इसके लिए हम सिंपल सिंपल एक्सरसाइज पहले करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन ये क्या किया इसने, पूरा का पूरा सरफेस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सरफेस में थिकनेस नहीं मिलेगी। देखिए आप रिवॉल्व करके देखिए, इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, सॉलिड में। लेकिन वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट तो आपका बनना चाहिए, ओपन स्ट्रक्चर ये बन रहा है। अगर इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये देखिए, ड्राइंग में एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ स्केचिंग में अपन गए, स्केच में जाने के बाद एडिट डेफिनेशन, ये रही आपकी एडिट डेफिनेशन, और स्केच व्यू में अपन चले जाएंगे, स्केचर, ये स्केच में गए, नॉर्मल व्यू, अब यहाँ से मैंने अगर इसको एक्सट्रूड किया तो इस तरह से आपका शो कर लेंगे। अब ये जाके अपन को सॉलिड में अपन जाएंगे तो इस तरह से आपका शो करेगा। चलिए हम पहले स्केचिंग न्यू फाइल, न्यू खोलते हैं फाइल, पार्ट में डिफॉल्ट डायमीटर में ये मैंने दिया, ठीक है। अब अपन ने ये क्या किया कि एक अपने को आई सेक्शन बनाना है। स्केचिंग में गए अपन, फ्रंट में देखे गए, स्केच में गए हम, स्केच में जाने के बाद कौन सा प्लेन सिलेक्ट कर लिया, राइट तो हो गया था, स्केचर व्यू में हमको जाना पड़ेगा। ये मेरा स्केचिंग हो गया, फ्रंट हो गए मेरे, ओके हो गया। अब ये लाइन कमांड से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए इसको क्लिक किया मैंने, इसको थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। ये देखिए अब इसमें एक्सट्रूड कमांड में दो तीन ऑप्शन है, हम डेप्थ में जाएंगे तो सबसे पहले क्या शो कर रहा है, एक्सट्रूड द डेफिनेट यूनिट, 220 यूनिट तक आपको करना है जिस भी सरफेस से आपने लिया। दूसरी तरफ ये शो कर रहा है, हम जैसे क्लिक करेंगे तो सेंटर प्लेन की तरफ, ये मेरा हो गया। सेकेंड क्या शो कर रहा है, ये देखिए एक्सट्रूड ऑन बोथ साइड, बोथ साइड मतलब 110 110 आपका हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बीच वाला प्लेन इसने ले लिया। थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन में क्या करेगा, एक्सट्रूड अप टू सिलेक्टेड सरफेस और एज, सरफेस मैंने कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली सरफेस लेनी पड़ेगी अपने, सिलेक्ट, ये आपका हो गया, ओके हो गया। उसमें कोई भी एज लेनी पड़ेगी आपको, फॉर एग्जांपल ये मैंने सरफेस लिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको यार इस तरह से ऑब्जेक्ट हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सट्रूड कमांड क्या होता है, थिकनेस प्रोवाइड करने के काम में आता है। जब हम एक्सट्रूड, ये देखिए सिलेक्ट किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया, इससे कम या ज्यादा भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड में क्या करेगा, अप टू सरफेस, एक्सट्रूड अप टू सिलेक्टेड सरफेस एज, तो हमको यहाँ पे कोई एक एज लेनी पड़ेगी, आपको प्लेन ऑफसेट करके यहाँ एज लेंगे कोई तो वहां तक करने की कोशिश करेगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर कोई ऑफसेट कमांड है, क्योंकि फर्स्ट है आपका, इसलिए मैं आपको वो सब शो नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्लेन मेरा ये हो गया, ये मेरा फ्रंट प्लेन हो गया। अब यहाँ से मेरे को ऑफसेट करना है, सपोज 25 का करना है, 25 करेंगे तो कौन सा आ गया, ये यहाँ पे आ गया जाके ऑफसेट में, DTM 1 उसने दे दिया। अब मैं अगर इसको एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सक्लूड करेंगे ये वाले पोर्शन को, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक्सक्लूड अप टू सिलेक्टेड एज, ये हो गया सिलेक्टेड एज, सिलेक्टेड एज में मैंने ये वाला पोर्शन दे दिया। ये देखिए यहाँ तक आया, ये जो ऑब्जेक्ट था सिर्फ हमने 25 तक किया तो ये 25 तक दे रहा है, ये देखिए इस तरह से। और अगर इसके आगे मैंने दिया, अगर माइनस देंगे तो दूसरी तरफ चला जाएगा ये। इसमें DTM 1 हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें हमको एडिट डेफिनेशन करना पड़ेगा। अगर इसमें -25 देंगे तो क्या करेगा वो, -25 देंगे तो दूसरी तरफ जाके क्लिक कर देगा। अब मैं इसको ओके कर दी, एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड में ये ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया स्केच, ये मैंने दिया। अब उसमें ये मैंने अप टू सिलेक्ट सरफेस, ये मेरा क्या बोल रहा है, अप टू सिलेक्टेड एज, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये देखिए दूसरी तरफ हो गया ये। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं,
इररेगुलर शेप, लेकिन कंडीशन उसके लिए क्या है? कंडीशन ये है कि आपका ऑब्जेक्ट पूरा क्लोज होना चाहिए। आपका अगर अनक्लोज होगा तो फिर वो सरफेस में कन्वर्ट करेगा, सॉलिड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर से एक और फ्रंट मैंने दिया, स्केचर व्यू में हम आ गए। अब मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन ड्रॉ करिए, दूसरी लाइन मेरी यहाँ, तीसरी लाइन ये, और चौथी लाइन मैंने ये कर दी। अब मैं अगर इसको एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये देखिए, ये देखिए इस तरह से बनेगा। लेकिन मैं अगर इसको बोलूंगा कि नहीं डिमे को सॉलिड में कन्वर्ट करना, अब मैं इसको अगर एक्सक्लूड करूंगा और मैं यहां से सॉलिड मार्क करूंगा तो ये देखिए नहीं करेगा। लेकिन मैंने अगर सरफेस करूंगा तो देखिए ये हो गया सरफेस, जो भी थिकनेस आपके दी रहेंगे। अब ये देखिए थिकनेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ही सरफेस में वो करेगा ये, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्री एक दो एक्सरसाइज थी। आगे चल के अपन और एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है ना। फाइल में जाएंगे, न्यू ऑप्शन, पार्ट में हम गए, फाइल नंबर, पार्ट नंबर 001 कर देते हैं हम, डिफॉल्ट डायमेंशन ये आपका हो गया, इन यूज इसको हम 5 कर दिए। स्केचर व्यू में हमको जाना पड़ेगा, ये हो गया हमारा स्केचर व्यू, ये स्केच व्यू हो गया आपका, फ्रंट हमने ले लिया है, ठीक है ना। स्केचर व्यू में अपन आ गए नॉर्मल टू द एक्सिस। अब मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये रहा मेरा, जो भी डायमेंशन है इसके 131 है, से मेक इट एज ए 150, 300 हम दे दें इसको। अब इसको मैंने एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड किया तो थिकनेस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये मेरी कुछ थिकनेस प्रोवाइड हमने की है, बहुत ज्यादा नहीं, हम इसको 100 रख लेते हैं, 100, ठीक है। अब मेरे को कोई पोर्शन कट करना है, ये वाला सरफेस सिलेक्ट किया मैंने, स्केचर में आ गए नॉर्मल टू द व्यू। अब मेरे को एक और स्लॉट यहां से काटना है, ये हो गया, क्योंकि स्लॉट है, ड्रॉइंग का मतलब होता है सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये मैंने 60 दिया, ये मैंने दिया 120, ठीक है। अब मैं क्लिक करके बाहर आ गया स्केचर में, फिर मैंने एक्सक्लूड किया। अब मेरे को सपोज होल क्रिएट करना, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसका डायरेक्शन उल्टा कर दूंगा, जहां तक आपको ले जाना है ले जाइए। अगर मेरे को पूरा होल क्रिएट नहीं करना, कुछ ही पोर्शन आपको एक्सक्लूड करना, तो मैं क्या करूंगा, इसको रखूंगा हाफ विड्थ तक चाहिए, या तो विड्थ दे दें आप इसकी, क्योंकि हमने नाप के तो बनाया नहीं है इसको, हमने हाफ विड्थ तक हमको चाहिए, यहीं तक होल करेगा और ये इस तरह से आपका एक्सक्लूड कर देगा। और सेम केस आपको होल क्रिएट करना उसमें आ जाएगा। अब स्केचर में जाएंगे, ऊपर वाला सरफेस लीजिए आप, स्केच में जाइए, नॉर्मल टू द व्यू करना पड़ेगा आपको। अब मैं यहाँ पे दो सर्कल मैं बना देता हूँ, कोई भी डायमीटर के, जरूरी नहीं कि नाप के बनाए हैं, ठीक है। ये मेरे बन गए, क्लिक किया, एक्सक्लूड किया। अब ये दो पोर्शन अपने हैवी है, अगर यहाँ से मैंने किया ये तो आपके होल क्रिएट हो गए, सॉरी सॉलिड क्रिएट हो गया। लेकिन अगर मेरे को इसमें एडिट डेफिनेशन में मैं जाऊँगा और इसका डायरेक्शन मैं कर देता हूँ नीचे, फिर तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका होल क्रिएट हो जाएगा। एक्सक्लूड 3, एडिट डेफिनेशन, इसमें रिमूव मटेरियल आप करना पड़ेगा, बस ये है कि रिमूव मटेरियल करना पड़ेगा, ये आपका होल क्रिएट हो गया, लेकिन आर पार नहीं हुआ। एक्सट्रूड 3 हम करेंगे इधर, जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाएंगे अपन एडिट डेफिनेशन में। अगर मैं इसको बोलूंगा थ्रू ऑल, इसमें तीसरा सरफेस का ऑप्शन है, दूसरा होगा था इंटरसेप्टिंग ऑल द सर्फेसिस, इंटरसेप्ट टू ऑल द सर्फेसिस, तो हमको देखना पड़ेगा होल पूरा क्रिएट हो गया आपका। इसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन है इंट्रोड्यूस विद सिलेक्टेड सर्फेसिस, सिलेक्टेड सर्फेसिस मतलब क्या करेंगे हम, सर्फेस कौन सा सिलेक्ट किया है, मैंने ये वाला सर्फेस सिलेक्ट किया तो यहीं तक आ रहा है, देखिए सिलेक्टेड टू दिस वन सरफेस। अब जैसे ये मैंने होल क्रिएट किया है, अब उसमें यहाँ क्या कर रहा हूँ, अप टू सिलेक्टेड सरफेस, सिलेक्टेड सरफेस कौन सा हो गया मेरा, मेरा सरफेस हो गया ये, क्रिएट कर रहा हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में भी अपन दे सकते हैं। अब ये तो हो गया होल वाला हो गया है, होल तो अपना टोटल होगा ये, इसमें स्केचर व्यू में फिर देखिए नॉर्मल टू द स्क्रीन। अब हम ड्राइंग करते हैं जिसको हमको ऊपर एक्सक्लूड करना है, थिकनेस प्रोवाइड करनी, ये देखिए ऑलरेडी इसने ये दे दिया सर्कल, ये हो गया। अब यहाँ से मेरे को क्या है, एक ऑफसेट देना पड़ेगा, प्लेन ऑफसेट के लिए प्लेन पे क्लिक कीजिए आप,
डिस्टेंस कितना देना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ये दीजिए यहाँ से कर दीजिए मैंने 60, कहाँ करना है ऊपर या नीचे, नीचे आ रहा है तो आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में आप उसको देना पड़ेगा। डीटीएम में जाएंगे, एडिट डेफिनेशन, यहाँ पे दे दीजिए -60, -60 हो गया, ऊपर तक आ गया, ठीक, हमारा काम खत्म हो गया। अब एक्सक्लूड करिए, आप एक्सक्लूड करिए, एक्सक्लूड करिए अप टू सरफेस, ये देखिए टू द सिलेक्टेड सरफेस, सिलेक्टेड सरफेस कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया डीटीएम 1 हो गया। डीटीएम 1 मेरा ये हो गया, इस पे मैं ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ, स्केच अराउट द व्यू नॉर्मल टू द स्क्रीन। अब यहाँ पे मैंने एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ बीच में, ये दिया मैंने, हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड अप टू सिलेक्टेड सरफेस, ये मेरा सिलेक्टेड सरफेस, ये सिलेक्टेड सरफेस है, देखिए यहाँ तक। अगर यहाँ पे ड्रॉ करके ऊपर की तरफ अपन करते हैं तो वो भी अपन करके देख लेते हैं, क्योंकि लेकिन हमको ड्राइंग इस सरफेस में पहले बनाना पड़ेगा, ये सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको, ये सरफेस सिलेक्ट करेंगे, स्केचर में हम जाएंगे, नॉर्मल टू द प्लेन करेंगे, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना, क्योंकि सर्कल सर्कल बहुत हो गए हैं, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक, एक्सट्रूड किया मैंने, यहाँ से मैं एक्सट्रूड करूंगा किस लेवल तक मेरे को करना है, अप टू सरफेस सिलेक्टेड सरफेस, ये सिलेक्टेड सरफेस हो गया, दैट इज डीटीएम 1। ये कहां तक करेंगे अपन, अप टू सिलेक्टेड सरफेस, सिलेक्टेड सरफेस इज दिस वन, नहीं ये प्लेन सिलेक्ट करेगा, सरफेस हमको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए डीटीएम 1 पे अपन क्लिक करते हैं, नॉर्मल टू द स्क्रीन, तो ये चीज समझ गए अपन। अब ऊपर इस सरफेस पे बनाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे, कौन सा सरफेस हम लेंगे, सिलेक्टेड सरफेस, एक्सट्रूड अप टू सिलेक्टेड सरफेस, ये मैंने ले लिया, ये देखिए यहाँ तक आ गया, क्योंकि प्लेन है तो प्लेन में अपने कोई ना कोई सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा तभी वो करेगा। डीटीएम 1 अपन लेते हैं, डीटीएम 1 अपन ने लिया, स्केचर मैंने बनाया नॉर्मल टू द स्क्रीन, और मैंने इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इसी लेंथ का भी हो सकता है, एक्सट्रूड में अपन ने इसको थोड़ी सी लेंथ दे दी, 200 तो बहुत ज्यादा है, 50 हमने दे दिया, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, चलो इसको हटा दें, ये वाला प्लेन ले लिया मैंने, सॉरी सरफेस लिया, स्केचर टू द व्यू, ये हो गया मेरे पास में सेंटर एंड पॉइंट, ये मेरा पॉइंट हो गया, एक्सट्रूड ये दे दिया मैंने, एक्सट्रूड। अब क्योंकि होल क्रिएट करना अपने रिमूव मटेरियल, तो उसके लिए सरफेस कौन सा रहेगा, तो सिलेक्टेड सरफेस, ये वाला सरफेस रहेगा, ये देखिए यहाँ तक हो गया आपने, ठीक है। अगर ये वाला सिलेक्टेड सरफेस देंगे तो इसमें और ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपने जनरल व्यू कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना, एक्सट्रूड कमांड से थिकनेस हम प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आइए अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, इसकी और अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। चलिए टॉप व्यू हम लेते हैं, स्केचर व्यू में हम आते हैं, यह आपके पास हो गया। अब यहाँ सेंटर लाइन हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम मिरर करना चाहते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहां से अपन ये क्लिक हमने कर लिया, मिरर ऑब्जेक्ट करते हैं, मिरर प्लेन कौन सा रहेगा हमारा, स्केचर में हम क्या है,
तो इस तरह का मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह का ऑब्जेक्ट अगर मेरे को दूसरी तरफ ड्रॉ करना है तो ये तो पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो गया। ये जब शेडेड में शो करेगा मतलब पूरा आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये स्केचर में जाएं तो अभी हम देखें ये मेरी सेंटर लाइन एक्सिस है। अब ये देखिए पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने को। चलिए इसको अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे व्हाट इज मिरर। ठीक, अभी हम सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। फ्रंट व्यू में ये स्केचिंग है मेरे पास में, ये नॉर्मल टू द प्लेन है। अब मेरे पास कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बना है। ये मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कुछ कंप्लीट शेडेड शो कर देगा। इसका मतलब कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट है, फुली कंस्ट्रेंट है। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। एक्सट्रूड लेंथ कुछ भी आपकी हो सकती है। ठीक है, अब ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, और मैंने क्या किया, यहाँ से एक ये वाला प्लेन लिया, स्केचर में मैं गया, नॉर्मल टू द स्क्रीन किया और सर्कुलर पोर्शन को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा सर्कुलर पोर्शन हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, होल तो मैंने कई बार कर दिया, अब मैं ऐसे इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा एक्सट्रूडेड पोर्शन है। ठीक है ना, अब ये वाले पोर्शन में मेरे को होल क्रिएट करना है। यहाँ से मैं गया, स्केच किया, मैंने स्केच करने का नॉर्मल टू द प्लेन दिया, यहाँ से मैंने एक सर्कल दिया, एक्सट्रूड ये मैंने दिया नॉर्मल टू द प्लेन। अब ये तिरछे में ऐसा जाएगा क्योंकि ये फ्लैट सरफेस नहीं है ये। अब ये देखिए, अब इसमें जो होल जाएगा वो कैसा जाएगा, यहां से ऐसा सिंपल जाएगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट में मैं अगर होल करता हूं, ये देखिए ये वाले सरफेस में मैं लेता हूं, स्केचर में मैं जाता हूं और इस पोर्शन पे कोई एक मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये हो गया राइट एक्सट्रूड। देखिए ये पोर्शन को एक्ट करेगा इधर, ये देखिए यहां पे तिरछे में जाएगा क्योंकि तिरछे में अपना होल ऐसे सीधे जाएगा लेकिन सरफेस सरफेस के नॉर्मल में करेगा ये। ठीक है, ये पोर्शन आपका बन गया, एक जनरल आइडिया हमको इसमें से लग गया है। अब इस पोर्शन में सपोज ये होल तो मैंने इसमें होल काटा था मैंने, लेकिन मैं ये चाहता हूं कैसे स्लैंटिंग वे में इसी सरफेस में मैं स्लॉट काटने की कोशिश करता हूं। स्केच में ये पोर्शन मैंने लिया, स्केचर में ये वाला प्लेन मैंने लिया नॉर्मल टू द स्क्रीन। अब मेरे को देखने में अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरे को बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, लेकिन ये क्या है कि एक्चुअली में क्या ये स्लांटिंग एज है, ये कुछ एजेस इंक्लाइन है। तो इंक्लाइन पोर्शन में जो आपका होल हम क्रिएट करेंगे एक्सट्रूड करेंगे तो वो आपका इंक्लाइन वे में ही जाएगा। ये देखिए इंक्लाइन वे में इधर गया लेकिन नीचे आते आते वो फ्लैट पोर्शन क्रिएट कर देगा, जब हम इसकी फ्लैट पोर्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। आइए अब मेरे को अगर इसके अंदर होल क्रिएट करना है, फिर से ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ये मेरा एक्सट्रूडेड पोर्शन है, अब मैंने इसके नॉर्मल टू द प्लेन कर दिया वाई फ्रेम, ये मैंने वाई फ्रेम कर दिया। ठीक है ना, ये मेरा शेडिंग पोर्शन होगा। ठीक, अब यहां से मैंने क्या किया, स्केचर लिया, स्केच लिया, ये वाला फेस लिया, मैंने कर दिया नॉर्मल टू द प्लेन हो गया। अब मेरे पास ये इसमें क्या करेंगे हम, सेंटर टू द पॉइंट, क्योंकि प्रॉपरली नहीं दिख रहा तो वायर फ्रेम भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। वायर फ्रेम कैसे करेंगे, यहां से देखिए और ये आपका वायर फ्रेम हो गया आपका, बस यहाँ पे काम खत्म हो गया था। फिर आप वापिस शेडिंग में अपन आ सकते हैं। अब इसको कर दीजिए एक्सट्रूड, ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया है। यहाँ से किस लेंथ तक आपको चाहिए, मेरे को इस लेंथ अब टू नेक्स्ट सरफेस भी करके देखना है। ये देखिए ये तो मैन्युअली अपन ने कर लिया, अब ये देखिए अब टू नेक्स्ट सरफेस ये हो गया आपका, ये देखिए नेक्स्ट सरफेस उसने यहाँ से यहाँ तक
टोटली उसने कर दिया। अगर हम इसकी विड्थ देते हैं, देखिए एक्सट्रूड हो गया, एडिट फीचर्स हम करते हैं। अब इसमें अगर लेंथ देता हूँ, कितनी लेंथ चाहिए मेरे को, यहाँ से यहाँ तक बीच तक चाहिए या इस सरफेस तक चाहिए, ये मैंने इस सरफेस तक इसको काट के दे दी। वैसे सेफ फीचर्स ये रहता जब भी आपको बैठ के क्रिएट करना कोई भी चीज, ठीक है। अब ये सामने वाला फेस भी हम देखते हैं, सामने वाला फेस है तो इसमें भी अगर कुछ कटिंग करें तो हम लोगों को आइडिया लग जाएगा अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें लाइन के द्वारा कटिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने किया। अब मैं एक कोशिश और करता हूं, मिरर करने की कोशिश करता हूं। सपोज ये मेरी सेंटर लाइन होगी, ठीक है। अब मिरर, अब ये मिरर मैंने किया, मिरर में क्या पूछेगा, ये वाली लेंथ पूछेगा आपका, ये जो सरफेस है इस पर क्लिक करना आपको, ये सेंटर लाइन हो गई, टेक इट एज ए दिस एज ए सेंटर लाइन। मिरर किया मैंने, ये सेंटर लाइन क्लिक कर दिया, ये ऑब्जेक्ट पिक कर लिया मैंने, मिरर। ये देखिए ये मिरर हो गया, सेम पोर्शन पे आपका कट रहा है, ठीक। अब ये दो पोर्शन को अगर मेरे को मिरर करना है तो सेंटर लाइन मेरे को कौन सी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको सेंटर लाइन ये बीच वाली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं कि पूरी हम ड्रॉ करें, सिर्फ इंडिकेशन भी हमारे लिए काफी रहता है, ठीक। अब सबसे पहले आपको सेंटर लाइन क्लिक करनी पड़ेगी, मिरर में जाइए, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए आप। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया अपन ने, मिरर लाइन पे क्लिक किया, सिलेक्ट सेंटर लाइन ये सिलेक्ट कर ली मैंने, ये मिरर लाइन हो गया, ये देखिए यहाँ से ये हो गई मिरर लाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन क्लिक करेंगे, मिरर पे जाइए आप, ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये देखिए इस तरह से आ गया, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं, नहीं तो फिर इसमें, तो इसमें सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर मिरर पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर सेंटर लाइन आपको सिलेक्ट करेंगे, एक तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये पोर्शन हो गया। अब इसको मेरे को क्या करना, एक्सट्रूड करना, लेकिन मेरे को क्या करना है, इसको रिमूव मटीरियल करना है, तो रिमूव मटीरियल के लिए इसमें कर देंगे हम थ्रू ऑल, मिडवे करना है, मिडवे नहीं करना हमको, नेक्स्ट सरफेस भी ले सकते हैं, अब तो सिलेक्टेड सरफेस भी ले लें आप। सिलेक्टेड सरफेस कौन सा हो जाएगा मेरा, घुमाएंगे तो ये वाला सिलेक्टेड सरफेस है, ये देखिए रिमूव मटेरियल, रिमूव मटेरियल, ये मेरा पोर्शन। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमने देखा कौन कौन से फीचर्स देखे, हमने पहले एक ब्लॉक हमने बनाया इंक्लाइंड फेस का, फिर हमने होल क्रिएट करके यहाँ पे देखा, एक्सट्रूडेड पोर्शन किया मैंने, होल क्रिएट किया, यहां से मैंने एक्सट्रूडेड के बाद रिमूव मटेरियल किया, ये सरफेस पे फ्रंट फेस पे जाके मैंने इस तरह का स्लॉट काटा, फिर ये मैंने इस तरह से करने की कोशिश करी, ठीक है ना। अब मिरर का एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, ये वाला फेस लेते हैं अपन, स्केचिंग में हम जाएंगे, वही नॉर्मल टू द प्लेन लिया अपन ने। अब यहाँ पे मैं एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करता हूँ, ये मेरा स्मॉल सर्कल हो गया, ठीक है। सेंटर लाइन मैंने एक बना के दे दी, क्योंकि सेंटर लाइन ऑलरेडी डिफॉल्टेड वो शो कर रहा है, हम इसी को सेंटर लाइन ले लेते हैं, चलिए
क्योंकि वास्तव में सेंटर लाइन ये है नहीं, लेकिन हमने इसको कंसीडर कर लिया है। अब मेरे को मिरर करना है। सबसे पहले सेंटर लाइन क्लिक करें, मिरर ऑप्शन आपका चालू हो गया। अब वो इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये वाली लाइन को सिलेक्ट किया, ये वाला सर्फेस हम लेते हैं, इसको हटाइए। सेंटर लाइन हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ये मेरी सेंटर लाइन है। मिरर कर लीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए आप, चलिए एक नए सरफेस पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हटा दीजिए। स्केच किया अपन ने, इस सरफेस पे आए, स्केचिंग नॉर्मल टू द प्लेन, ये हो गया। चलिए ओपन रेक्टेंगल एक ड्रॉ करते हैं, ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया हमारा। अब ये सेंटर लाइन अपन ने क्रिएट कर दी, इसमें ये सेंटर लाइन आ गई है, वो डिफॉल्ट शो कर देता सेंटर लाइन को। अब मिरर को सिलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मल टू द प्लेन, ये देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके हम लोग कंफ्यूजन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मिरर पे जाना फिर सेंटर लाइन सिलेक्ट करना। आमतौर पे गलती क्या कर रहे थे अपन कि सबसे पहले मिरर क्लिक कर रहे फिर सेंटर लाइन क्लिक कर, इसका एक्चुअली प्रोसीजर आप बिल्कुल लिख लीजिए। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मिरर पे क्लिक करेंगे और सेंटर लाइन पे, तो आपका एग्जैक्ट आपका ऑब्जेक्ट आ जाए। अब ये तो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन मेरे को इसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए इसमें होल क्रिएट करना, मेरे को ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना, मेरे को ले जाना नीचे की तरफ, कितना भी आप ले जाए। रिमूव मटेरियल, ओके, रिवर्स में हो गया ये आपका एक्सक्लूड, ये रिमूव मटेरियल, ठीक है। ये नीचे तक नहीं आया, कुछ एक डिस्टेंस तक ही आया। देखिए इस पर क्लिक करके देखिए, एक्सक्लूड सिक्स में एडिट डेफिनेशन में 80.2, हम इसको इंक्रीज कर दें, टेक इट एज 100, फुल होल कर दें अपन। नेक्स्ट सरफेस इंटरसेक्ट विथ ऑल सरफेसेस, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो ये अपनी जनरल एक्सरसाइज थी, इसको फाइल सेव एज न्यू फाइल नेम 1, ठीक है, इस तरह के। अब आगे चल के अपन और एक्सरसाइज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, पर इसको आप अंडरस्टैंड कर लें बिल्कुल, इसमें कौन कौन से कमांड यूज हुए हैं।